हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर फॉर्म ऑफ नोटिस। आज हम दूसरे प्रकार के नोटिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये नोटिस बिल्कुल ही हटकर है और ये जनरली अखबारों के लिए है और हमारे पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है, CBSE, RBSE किसी भी पैटर्न में ये पूछा जा सकता है। थोड़ा सा हटकर है, काफ़ी कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। हिंदी में ये सूचनाएं जरूर निकलती रहती है, अंग्रेजी में ऐसी सूचनाएं लोग बहुत ही कम देते हैं, लेकिन हमें तो अंग्रेजी में सीखना ही है। तो ये क्या है? ओबिचुअरी। ओबिचुअरी का मतलब होता है शोक संदेश। शोक संदेश कब देते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाती है और हमें बहुत ही ज़्यादा उसका दुख होता है, लेकिन प्रकृति के सामने किसी की चलती नहीं है और जैसा भी ईश्वर की इच्छा होती है उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। फिर भी लोगों को सूचनाएं देने के लिए ये एक सबसे अच्छा माध्यम चुना गया है, जिससे कि लोगों को पता लग जाता है और जैसी भी व्यवस्था हम करते हैं वो उस व्यवस्था के लिए लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज हम ओबिचुअरी सेक्शन पे जो नोटिस है उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये थोड़ा मैंने पहले ही बताया, जैसे थोड़ा हटकर है, इसके अंदर कोई वैसा लेआउट नहीं है कि बहुत ही फॉर्मल टाइप हो, लेकिन एक पैटर्न हमेशा हर चीज़ का बन जाता है। इसका भी एक पैटर्न बन गया है और उसी पैटर्न को जनरली फॉलो किया जाता है। तो देखते हैं कि क्या है ये पैटर्न और उस पैटर्न को समझते हैं और क्या जनरली लिखना है इसके अंदर, क्योंकि एक सेट वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स को अगर आप प्रयोग में लेते हैं, इफ़ यू यूज़ दोज वर्ड्स इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ देयर। ऑलरेडी आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड टू सेव योर टाइम एंड माई टाइम आल्सो। वाई? बिकॉज यू कैन क्विकली लर्न, यू वॉन्ट वेस्ट मच टाइम इन लर्निंग। सो हियर वी आर। आई रिटर्न तीये की बैठक। हर एक परंपरा में अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। मैंने एक हिंदू कल्चर के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से ये लिखा है, तीये की बैठक, उठावना, तीये की बैठक वगैरह वगैरह, ऐसे जो टर्म्स हैं वो यूज़ करते हैं लोग। उसके बाद में जैसे डेट डालते थे उसमें, वहाँ पे भी डेट, यहाँ पे भी डेट डालना, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं लिखते हैं, नोटिस और ये सब्जेक्ट वगैरह ऐसा सीधा लिखते हैं ओबिचुरी। ओबिचुरी का मतलब होता है शोक संदेश। एक फ़ोटो के लिए कॉलम भी छोड़ा जा सकता है, यहाँ पे यू कैन लीव वन कॉलम फॉर द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आइए फिर देखते हैं, लेट्स सी। विथ प्रोफाउंड ग्रीफ, इसका मतलब हो गया बहुत ही गहरे दुख के साथ में, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा रहता है। वी इन्फॉर्म, हम सूचित करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है, दैट आवर ग्रैंडफादर श्री। अब आपको यहाँ पर जो नाम है, जिनका जिनका देवलोक गमन हो गया है या उनकी मृत्यु हो गई है, उनका यहाँ पे नाम आना है। हैज़ डिमाइज्ड, डिमाइज का मतलब वही मृत्यु हो जाना या देवलोक गमन हो जाना। किस तारीख को हुआ है वो तारीख लिखना है। समय भी कई लोग लिखते हैं, पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ समय की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि कितने बजे उनकी मृत्यु हुई थी। अब फाइनली क्या सूचना देना है हमें? सूचना ये देना है कि तीये की बैठक कब रखी गई है या जो भी उठावना है कब रखा गया, जैसे भी जिसको जरूरत पड़े। सो आई हैव रिटन हियर, तीये की बैठक विल बी हेल्ड, फ्यूचर सिंपल पेसिव फॉर्मेशन में लिखा हुआ। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको वो थोड़ा रिमाइंड होता रहेगा फॉर्मेशन क्या यूज़ करते हैं। सो विल बी हेल्ड, आयोजित की जाएगी ऑन 18th में। मैंने डेट कैलकुलेट करके लिखा है कि मान लो कि आज मैंने 17th पे ये निकाल रहा हूँ, 16th को डेथ हुई थी, 16, 17, 18, तो तीसरा दिन है। इस हिसाब से तीये की बैठक है कैलकुलेटिव। बाकी जो भी सूचना जिसको जैसा डेट के हिसाब से लगे, ही कैन गिव और सी कैन गिव। कहाँ पर है वो लोकेशन, कहाँ पर है जहाँ पे तीये की बैठक होनी है? सो लोकेशन जनरली रेजिडेंस भी होगा, तो आवर रेजिडेंस, और रेजिडेंस का एड्रेस आना चाहिए। मैंने नहीं लिखा एड्रेस, आई नॉट रिटर्न वाई, बिकॉज जस्ट आई लेफ्ट द ब्लैंक, यू कैन राइट वट एवर एड्रेस इज गिवन। Now here also you see grieved family, शोकाकुल परिवार। शोकाकुल परिवार means जो लोग उनको आघात पहुँचा है उनकी मृत्यु से, वहाँ पर वो अपने नाम लिख सकते हैं, साथ में relation लिख सकते हैं। relations का मतलब जैसे कि मान लो son, daughter, grandson,
और भी चाहें तो जो जिन लोगों का है उनका नाम दिए जा सकते हैं। और ये जनरली इट इज़ पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के कॉलम में जो ओबिचुरी कॉलम है उसके अंदर ये प्रकाशित होता है। और जनरली इसीलिए लोग जब अखबार देखते हैं तो उस कॉलम पे भी नज़र जाती है, तो वो सूचना उनको प्राप्त हो जाती है। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड ओबिचुरी, दिस इज टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ नोटिस। अर्लियर वी हैव डन नोटिस ऑफ इवेंट, देन देर वॉज अ group of notice in that we have learned lost and found, and now this is totally different like obituary. So for the day it's all done. Please subscribe our channel if you like and press the like button also. Thank you very much for watching us. Bye bye for now. Thank you.